तो फ्रेंड्स, माय स्वीट होम एंड डेकोर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट का यमी यमी हलवा। तो चलिए देखते हैं इस सब के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हलवा बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले बीटरूट। तो मैंने 1/2 kg बीटरूट ले लिया है और उसको हमने ऐसे कद्दूकस करके रख लिया है। और फिर हमको चाहिए नेक्स्ट कंडेंस्ड मिल्क है, ये 2 से 3 टेबलस्पून हम ले लेंगे। और हमने लिया है 1 कटोरी दूध और लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और हमने लिया है काजू और मगज, और लिया है हमने किशमिश और घी, और ये है पिस्ता। ये सिर्फ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और हमने लिया है इलायची, 3 से 4 इलायची क्रश कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए गैस ऑन कर लिया है हमने, और हम इसमें डाल लेंगे घी। थोड़ा मेल्ट होने देंगे घी को। इसी घी में हम काजू और जो किशमिश है उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो हम अभी डाल देंगे इसमें काजू, अभी थोड़े से ये गोल्डन कलर हो गए हैं। हम किशमिश भी इसमें डाल के उनको भी फ्राई कर लेंगे। और आँच धीमी रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल भी सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए, और ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे। सोंधी सोंधी से खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट्स के भूनने की। तो अब हम इसमें हमारा जो ये बीटरूट है ये भी इसी घी में हम डाल लेंगे। और थोड़ी देर इसको भून लेंगे इसका वाटर, जब तक एक बार इसको हम स्टर कर लेंगे अच्छी तरीके से फ्रेंड्स घी में। अब आँच थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे घी में तो इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर आएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। जितना हो सके हमको अपने खाने में बीटरूट ऐसे और ऐसे हेल्दी वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए। इस तरह से ऐड करेंगे तो ये तो बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका मॉइस्चर आ गया है, ये अच्छी तरीके से ये पक रहा है। अब हम इसमें जो हमने मिल्क लिया था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 ग्लास है ये मिल्क।
मिक्स कर लेंगे। इसको हम ढक्कन लगा लेंगे, लेड लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए लेड लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेड लगाने से पहले ही हम इसमें इलायची भी डाल लेंगे जो हमने क्रश करके रखी थी। इससे क्या होता है, ये इलायची की खुशबू बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेता है ये बीटरूट। अब हम इलायची डाल चुके हैं इसमें, अब हम इसका लेड लगा रहे हैं। लेड लग चुका है फ्रेंड्स, अब हम विजिल लगा रहे हैं। इसे आएंगे 3 से 4 विजिल, लगते ही ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से अपना मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो चलिए 3 से 4 विजिल के बाद इसे आगे का प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 3 से 4 सीटी लग चुकी है और अब ये थोड़ा सा ठंडा भी होगा, इसका प्रेशर भी उतर गया है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से पक चुका है और इसके जूसेस भी सब अंदर उतर चुके हैं। अब हम गैस को फिर से ऑन कर लेते हैं और इसको, ये लिक्विड जो है, जो भी आया है, इसके सूखने तक हम इसको अच्छी तरीके से खुले में ही पका लेंगे। अब इसको ढक्कन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही ये पकेगा, इसका ये पूरा मॉइस्चर सूख जाएगा। भाप लगता है, देखिए फ्रेंड्स, इसका अभी थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है, जूसेस जो इसके निकले थे। अब इस टाइम पे हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। अभी ये शुगर भी अपना पानी रिलीज करेगा। तो इसको हमको अभी 2-3-4 मिनट लग ही जाएंगे, ये शुगर अपना पानी छोड़ेगा, फिर उसको भी पूरा ड्राई करना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते ही रहना है। फ्रेंड्स, तो देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से हिला लिया है, चला लिया है। तो इसका पूरा मॉइस्चर, अभी जो वाटर आया था इसका, शुगर का वगैरह, तो ये सब सूख चुका है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे घी में, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको एक बार हिला लेंगे, अच्छी तरीके से चला लेंगे। और हम इसमें डाल लेंगे करीब 2 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बदले खोआ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये तैयार है। बस थोड़ी देर में ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल तैयार है, देखिए कितना अच्छा आ चुका है इसका टेक्सचर। तो चलिए अब हम गैस को करते हैं बंद और थोड़ी देर में इसको मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स तो तैयार है हमारा यमी यमी बीटरूट हलवा, आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसको गार्निश किया है फ्रेंड्स पिस्ता और मगज से, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये हलवा पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो मैं आपको और भी ढेर सारे अपने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।